नमस्कार। आकाशवाणी पोर्टब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। लोकसभा में भूमि संशोधन विधेयक पारित हो गया है। अंडमान दिवस पर कल पूरे द्वीप समूह में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। डालीगंज में बेत और बांस हस्तशिल्प पर आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कल से आरंभ हो गया। पोर्टब्लेयर और चेन्नई के बीच 21 मार्च को संचालित होने वाली चार्टर्ड फ्लाइट के लिए टिकटों की अग्रिम बुकिंग आज से आरंभ हो रही है और एमवी स्वराज द्वीप कल चेन्नई जाएगा। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। लोकसभा में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार संशोधन विधेयक 2015 विपक्ष के बहिष्कार के बीच पारित हो गया। सरकार ने विधेयक में 9 संशोधन पेश किए थे। इन संशोधनों में औद्योगिक गलियारों को राजमार्गों और रेल पटरियों के दोनों ओर एक एक किलोमीटर तक सीमित रखने, खेतीहर किसानों के प्रभावित परिवारों के एक एक सदस्यों को अनिवार्य रूप से रोजगार देना, जिला स्तर पर शिकायतों की सुनवाई और समाधान तथा न्यूनतम आवश्यक भूमि का अधिग्रहण जैसे प्रस्ताव शामिल है। अंडमान दिवस के अवसर पर द्वीप समूह में कई जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। कल सुबह पोर्टब्लेयर में चाथम द्वीप पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां प्रशासन के मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने चाथम स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों का पहला जत्था चाथम द्वीप पर ही उतरा था। इस उपलक्ष्य में हर वर्ष 10 मार्च को अंडमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उधर महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर के इतिहास विभाग की ओर से कल समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में इतिहास विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर पी के मंडल ने द्वीप समूह में आदिम जनजाति काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक की प्रमुख घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि द्वीपों के विकास और समृद्धि के लिए समाज के सभी वर्गों के पूर्वजों ने अपना योगदान दिया। इतिहास विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ए के पांडे ने ब्रिटिश शासन के दौरान लोगों को हुई तकलीफों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर एन रथ ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने समाज के अतीत की पूरी जानकारी रखें। उन्होंने कहा कि अतीत के ज्ञान से ही हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर आर एन रथ ने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें द्वीपवासी होने का गर्व होना चाहिए। उन्होंने द्वीप समूह की मिली जुली संस्कृति के प्रचार प्रसार की जरूरत पर भी बल दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विशाल जौली इस महीने की 17 तारीख को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रही केंद्र शासित प्रदेशों की विकास बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बुलाई गई है। पोर्टब्लेयर में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। श्री जौली ने बताया कि द्वीप समूह से जुड़े मुद्दों पर वे इस बैठक में सुझाव रखेंगे। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह का कोई भी व्यक्ति अपने लिखित सुझाव 16 मार्च तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी